राधे राधे मेरे प्यारी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होगे, मज़े में होगे, खुश होगे और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होगे। मैं भी बिल्कुल ही ठीक हूँ। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा हेल्दी नाश्ता जो कि हेल्दी तो है, साथ के साथ ये बहुत ही टेस्टी है। और इसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है, अगर रात को बचा हुआ आटा रखा है तो उसका आपको ये नाश्ता बना सकते हैं। देखिए, सिर्फ एक रोटी से भी कम आटे का ही मैं यहाँ पर ये नाश्ता बना रही हूँ। अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं तो आप क्वांटिटी इसकी बढ़ा और घटा भी सकते हैं। तो आटे को मैंने अच्छे से, मतलब फ्रिज में से निकालने के बाद थोड़ा सा कड़क हो जाता है ना, उसको अच्छे से मल लिया है। मलने के बाद ऐसे छोटे छोटे पीसेज में इसको तोड़ लूँगी, जैसे जवे तोड़ते हैं ना, जवे तो छोटे छोटे तोड़ते हैं। और इसको थोड़ा मतलब मोटा ही रखना है। सेप आप कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही सेव देनी है, लेकिन ये जल्दी टूट जाती है, इसीलिए अगर आपको बहुत काफ़ी लोगों के लिए बनाना है, जॉइंट फैमिली है आपकी, काफ़ी लोगों के लिए बनाना है तो ये जल्दी जल्दी टूट जाएंगे। तो इस तरीके से एक रोटी के आटे में से मैंने इसको तोड़ लिया है। उधर पानी मैंने गर्म होने के लिए रखा था, गर्म पानी में एक एक करके मैं इन सभी को डाल दूँगी। ब्लेड को ऐसे ही करके नहीं डालेंगे, उससे क्या होगा ये चिपक जाएगा, तो एक एक करके डालेंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। फिर इसको मैं थोड़ा सा हिलाऊंगी ताकि सारे मिक्स हो जाए पानी में, और ढक करके थोड़ी देर के लिए, एक मिनट के लिए रख दूंगी। एक मिनट बाद मैं इसको ढक्कन को हटा करके देखूंगी। फिर मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। नमक डालने से क्या होगा ना, ये जो आटा है ये फीका नहीं रहेगा, इसके अंदर तक नमक चला जाएगा और ये गल भी बहुत जल्दी जाएगा, क्योंकि हम इसको उबाल ही तो रहे हैं ना। तो नमक डालने के बाद, मैं ढकने के बाद मैंने इसको 2 मिनट और उबाला है, टोटल 3 मिनट लगे हैं इसको उबलने में और ये अच्छे से उबल चुका है। अब मैं इस तरीके की छलनी में इसको छान करके रख दूँगी ताकि सारा पानी निकल जाए। ये जो पानी है इसको फेंकना नहीं है, बाद में काम आ जाएगा। अगर आपकी ये जो ज़्यादा ड्राई हैं तो इसी पानी से आप इनको थोड़ा सा, इसका जो ग्रेवी है उसको बढ़ा सकते हैं। सब्जी आपकी अपनी पसंद की कुछ भी ले सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च, बीन्स ली हैं और टमाटर को मैंने पीस करके रख लिया है, और मैंने प्याज ली है। इसके अलावा आप गाजर ले सकते हैं, बीट रूट ले सकते हैं, जो भी सब्जी पसंद है। कढ़ाई में मैंने तेल किया है सरसों का, उसमें मैंने जीरा डाला है और हींग डाली है, और ये डाला है मैंने मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं तो मैंने इसमें डाली है प्याज। प्याज को बिल्कुल ऐसा नहीं भूनना जैसे सब्जी में होती है, थोड़ा सा क्रिस्पी रहनी चाहिए कि खाने में अच्छी लगे। तो प्याज जब तक ऐसी भुन गई है, फिर मैंने इसमें डाला है जो बीन्स हैं और शिमला मिर्च है, देख सकते हैं आप। तो ये भी मैंने बिल्कुल ही गलने नहीं दी हैं और थोड़ी सी क्रिस्पी हैं, तभी मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर को पीस करके जो पेस्ट बनाया था। अब मैं इसको ढक करके रख दूंगी ताकि जो ये सारी चीज़ें हैं ये अच्छे से भुन जाए। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं नमक तो। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं अच्छे से भुन चुकी हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चिली सॉस। अगर आपको टमाटो सॉस पसंद है, चिली पसंद नहीं है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो टमाटो सॉस भी रख सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चिली सॉस डाल रही हूँ। चिली सॉस डालने के बाद में मैंने इसमें डाल दिया है जो आटे के गट्टे टाइप्स बोल लीजिए, आप कुछ भी बोल लीजिए, जो हमने बनाए हैं वही। आप इनको सूजी के भी बना सकते हैं, सूजी के ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। फिर डालने के 2 मिनट तक मैंने ढक करके इनको अच्छे से पका लिया है। पकाने के बाद में बस क्या करना है, सर्व करने के लिए ये बिल्कुल ही तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बाजार के जो पास्ता और मैगी वगैरह आते हैं सब फेल हैं, और ये हेल्दी भी हैं, डाइजेस्ट भी बहुत जल्दी से हो जाते हैं। जो लोग डाइटिंग वगैरह करते हैं ये उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स हैं तो ये डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो बस इसी तरीके से हेल्दी नाश्ता बना करके खाइए और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए।